एक्टर जब खाली होता है ना तो वो यही सब सोचता है कि हेलो कैसे करूं, बोलूं नहीं बोलूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखूं। तो वो सबसे मैं और दूर हो जाना चाह रहा था कि ना मुझे बॉडी लैंग्वेज दिखानी है, ना मुझे जेस्चर दिखाना, ना पोस्चर दिखाना, मुझे रहना ही नहीं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुकेश, उस दिन उसने बोला कि राज भाई ये एक ऑडिशन हमने शुरू किया, आप दे दीजिए ना चार लाइन। उसने चार लाइन मुझे दी थी वो लैपटॉप वाले सीन की, वो मैंने पढ़ी, मुझे लगा मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये कनेक्ट कर गया मैं। हाय, दिस इज राज अर्जुन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। Raj, finally, tell us how you got this role, first of all, and what do you have to say about Aamir? Because Aamir is someone that we know many people in the industry, but Aamir is someone who is very respectful towards artists, irrespective of the fact that unka stature kya hai industry mein, which is I think a very very nice quality about him, which I personally have noticed that. You agree with that? Actors right. जो अगर मतलब struggle कर रहे हैं या फिर नए actors हैं, अच्छे actors हैं, तो उनके साथ में उनका एटीट्यूड थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग होता है, थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ भाई ठीक है बैठ बैठो टाइप। राइट। तो उनका मैंने नोटिस किया है कि वो एक्टर को और आर्टिस्ट को और जनरली लोगों को इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी हो। इवन जैसे ये अगर हमारे कैमरा असिस्टेंट हैं तो उनको भी अगर वो करेंगे, तो एक बार उनके घर पर हम लोग जाना था बहुत साल पहले, तो उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और मेरा कैमरा असिस्टेंट चला गया, तो वो दीवाना हो गया कि यार आमिर खान ने दरवाज़ा खोला एंड वो मुझसे पूछा कि आप कौन है, आपसे बात करिए। मेरा मुराद वो थी। बिल्कुल सही है, मैं समझ गया आपका सवाल। और इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं आमिर सर से रिलेटेड, और मैं एक दो आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि वो पता चले। और आपने जो बात कही वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। पहली चीज़, काम कैसे मिला, तो वो सवाल है। तो काम नहीं मिल रहा था और सालों से नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो ऐसा ही था, तो मैं मजबूरी में काम किए जा रहा था सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। 2015 में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम भी नहीं करूँगा, करूँगा ही नहीं, मैं खुश हूँ, सारा काम कर रही है, मैं चलेगा मेरा। 2016 या 17 में सारा को मुकेश के ऑफिस में बुलाया गया फितूर फिल्म के लिए, मुकेश शावरा ने फितूर फिल्म के लिए। उसमें सारा का नहीं हुआ एज की वजह से। उसमें मैं तब तक मैं अपसेट हो चुका था चीज़ों से, और मैं मुकेश के ऑफिस में अंदर नहीं गया, मैं बाहर बैठा रहा, सोफा है लगा हुआ, कि मैं फिर जाऊँगा, मुझे ग्रीट करना पड़ेगा, हेलो बोलना पड़ेगा, हाय बोलना पड़ेगा, उस हेलो का भी वो शायद मतलब निकाल लेंगे कि काम मांग रहा है। अब एक्टर जब खाली होता है ना तो वो यही सब सोचता है कि हेलो कैसे करूं, बोलूं नहीं बोलूं क्या नहीं बोलूं, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखूं। तो वो सबसे मैं और दूर हो जाना चाह रहा था कि ना मुझे बॉडी लैंग्वेज दिखानी है, ना मुझे जेस्चर दिखाना, ना पोस्चर दिखाना, मुझे रहना ही नहीं, मुझे करना ही। तो मैं सिर्फ सारा को अकंपनी करने चला जाता था, क्योंकि माँ या बाप हम दोनों में से एक जना ज़रूर रहता है बच्चों के साथ, हमारे यहाँ वो कंडीशन है। तो मैं वहाँ गया था, उन्होंने उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुकेश, उस दिन उसने बोला कि राज भाई ये एक ऑडिशन हमने शुरू किया, आप दे दीजिए ना चार लाइन। उसने चार लाइन मुझे दी थी वो लैपटॉप वाले सीन की, वो मैंने पढ़ी, मुझे लगा मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये कनेक्ट कर गया, मैं कनेक्ट कर गया। वो जैसा फिल्म में देख रहे हो ना, आप ऑलमोस्ट 19-20 ही मैंने किया था। उसमें सिर्फ ये था कि लैपटॉप मुझे फेंकना था, तो मैंने कागज़ जैसे उठाते कागज़ को छोड़ देते हैं, मैंने कागज़ को छोड़ दिया, मैंने फेंका नहीं। वो अद्वैत तक पहुँचा, अद्वैत को बहुत पसंद आया, वो आमिर सर तक पहुँचा, आमिर सर को बहुत पसंद आया, लेकिन वो पहला ऑडिशन था। तो सर्च तो शुरू हुई थी अभी, तो ख़त्म कैसे हो सकती है। तो 300-400 ऑडिशन और हुए, उसमें मैं टिक गया कहीं से, ऐसे टिक गया। फिर वो चेंज हो गए मुकेश से अनमोल और अभिषेक के पास आई, तो मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, मुझे वापस ऑडिशन करना पड़ा। टचवुड मैं बच गया, कहीं कोई ऊपर वाला जी साथ था, तो काम ऐसे मिला। ये तो ये सफ़र यूँ शुरू हुआ। आमिर सर देखिए, ये जो चीज़ वो आपने बोले थे ना, वो एक्टर एक अलग चीज़ हो गई, ये हमारा पार्ट है, लेकिन उससे पहले हम इंसान हैं, और वहाँ पे इंसानियत का पता चलता है, और वहाँ पे बड़प्पन का पता चलता है। तो ये ना, ये अच्छे इंसान हैं, ये ना पुराने जन्म में कोई साधु महात्मा रहे होंगे, तो वो उनका जो साधु महात्मा का जो गुण है वो अभी तक गए नहीं है, ख़त्म नहीं हुए हैं। पूरी इंडस्ट्री भी हमारी अच्छे ही लोगों से भरी हुई है। जब अभी मैंने दिवाली पे एक्सपीरियंस किया तो मैं गदगद हो गया कि इतने बड़े लोग और इतना प्यार, उनको ज़रूरत नहीं है आपसे मैं मिलूँ और मैं बोलूँ हाय गुड जॉब, इतना बहुत है ना मेरे लिए, मैं तो भोपाल से आया हूँ, गुड जॉब। उनके बड़ा आदमी को बोले कि गुड जॉब, तो मैं मान लूँगा गुड जॉब, पर उनको मुझे गले लगाना, चूमना, प्यार करना, बाल खींचना, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बड़प्पन है, ये उदारता है, तो उसको मुझे रिसीव करना चाहिए ना। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि आमिर सर, तो ये वो जो महात्मापन, उनका जो साधुपन है, वो आया है पिछले जन्मों से। तो अब मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था जब सारा उनके साथ एक ऐड में काम कर रही थी, तब वो मुझे जानते भी नहीं थे, और तब आप समझ सकते होंगे बेहतर
कि एक एक्ट्रेस के फादर के रूप में आपको क्या इज्जत मिलनी चाहिए और आपको किस इज्जत की उम्मीद करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए ना आपको मिलनी चाहिए, लेकिन एज अ ह्यूमन वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ उन्होंने बोला था कि सारा कुछ शॉट करेगी, तुम शॉट करो तो मैं तुम्हें करीना से मिलवाऊंगा। और वो बात सारा ने पकड़ ली। चार दिन बाद फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि चलो करीना से मिलने थ्री इडियट के सेट पे आ जाओ। उन्होंने हमें बुलवाया पूरी फैमिली को थ्री इडियट के सेट पे, करीना से मिलवाया, बहुत इज्जत दी, अपनी वैनिटी में रखा और उसके बाद बहुत इज्जत से हमें जो है रवाना किया। ये पहला एक्सपीरियंस आमिर के अच्छे होने का, आमिर सर के अच्छे इंसान होने का, जो ज़िंदगी भर के लिए छाप छोड़ गया। कि ये क्या ज़रूरत है उनको एक फ़ोन, सिर्फ उन्होंने ये बोला था मुझे करीना से बात करनी है और करीना का फ़ोन एंगेज आ रहा था, उनको वो ये बात याद रही। ये पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस जब मैं ये फिल्म कर रहा था, जब मेरी फाइनल वो हो गया था, तो मेरी डेट्स थोड़ी सी क्लैश करने लगी थी। मुझे साइमल्टेनियस डैडी मिल गई थी, दोनों पे काम करना था। वहाँ पे जो डेट्स मिली थी इधर उधर चेंज हुई थी, तो मैं यहाँ आया था डिस्कस करने डेट। तो आमिर सर दंगल की स्क्रीनिंग कर रहे थे, ये दूसरा एक्सपीरियंस। 50 लोगों के साथ दंगल की स्क्रीनिंग कोई कर रहा है, अभी दंगल रिलीज़ नहीं हुई, कितना प्रेशर होगा। आप उनकी मनस्थिति में जाओ तो कितना प्रेशर होगा किसी आदमी पर, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, 50 लोगों के साथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कौन हूँ मैं? उनके ऑफिस में आया हुआ एक आदमी जिससे किसी ने फॉर्मल मिलवाया भी नहीं है, वो 50 लोगों को छोड़ के वो बोलते हैं राज कम हेयर हैव लंच विथ मी। क्या ज़रूरत है उनको, कैसे जानते हैं मुझे? अच्छा जानते भी हैं तो शो क्यों करना है? बड़प्पन का दूसरा एक नमूना। तीसरा नमूना, मुझे उन्होंने फ़ोन किया फिल्म के बाद, अद्वैत को उन्होंने बोला कि किसी और एक्टर को वो बोल रहे थे, किसी और डायरेक्टर को वो बोल रहे थे कि सालों बाद मैंने ऐसा कोई विलन देखा है इस तरह का काम है। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके 15 मिनट तक मुझे बोला क्या ज़रूरत है। तो ये बड़प्पन की निशानियाँ। तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा कौन, अल्टीमेटली वो एक अच्छे इंसान है और वो सब में ऊपर वाला ही देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उनको सब में ऊपर वाला ही दिख रहा है, तो वो सबको बराबरी से बोल रहे हैं। जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला तो वो ऐसे हाथ करके खड़े रहे, तो 25 कदम की दूरी थी, तो मेरे लिए तो वो बहुत लंबी दूरी हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 25 कदम तक वो थोड़ी ऐसे खड़े रहेंगे, तो मैं भागूं ऐसे करने के लिए। तो वो उनका बड़प्पन है, तो उनके बारे में क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आपने बहुत अच्छे से आपने बहुत सरलता से आपने सारी चीज़ें आपने मतलब बयान करी, मतलब आई कुड एक्चुअली विजुलाइज़। तो अब ये क्या है इसका बड़प्पन, इतने बड़े लोगों से आप, इतने गुणी लोगों से जब आप मिलते हो ना, तो आप और उदार हो जाते हो और नम हो जाते हो, आप सरल कि किस चीज़ पे हम गुमान करें। तो अब मैं तो कर्जदार हो गया ना इनका, इन सभी लोगों का कर्जदार हो गया ना मैं, जिन जिन से लोगों पार्टी में मिला, जिन जिन लोगों ने जिस तरह से मुझे रिसीव किया। तो हमारा ये परिवार फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे लोगों से भरी पड़ी है ना, अच्छे लोगों। एब्सोल्युटली इनफैक्ट आई कैन ओनली से वन थिंग दैट इट्स अ वंडरफुल स्टोरी जो आपने पूरा अपना बारे में जिस तरीके से बताया है, वो एक स्ट्रगल की कहानी है और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा होगा और कैसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने, उसके बाद भी एक बिलीफ रखना, और फिर उसके बाद अब जब जो एक ऐसी कामयाबी मिली है कि हर कोई नोटिस कर रहा है उनको, एंड एक भूख नज़र आ रही है राज अर्जुन के अंदर दैट ही वॉन्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, and I hope that you get a lot of good work, and I'm sure that you will, and I think your attitude is absolutely in the right place that aap logon ko aap achhi baatein aap yaad rakhna chahte hain logon ki, and you want to look at the positive side of the industry, which is wonderful actually, and I'm sure that it will surely go in your favor. And we hope to see you in many more roles, and congratulations first of all for all the success that you're enjoying right now, and the compliments, and looking forward to much more work from you. Thank you very much. Looking forward to talking to you. Pleasure is all mine. It is my pleasure. Thank you very much. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.